इन्फिनिक्स एक ऐसा ब्रांड जो खुद को एज अ बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन ब्रांड रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स के रिगार्डिंग कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें शायद उनके यूजर्स, उनके होने वाले कस्टमर्स को नहीं मालूम है। आज उन्हीं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों को जानना हर एक कस्टमर, हर एक यूजर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन बातों को जाने बिना उन्होंने इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स या फिर और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खरीद लिया है तो यहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो क्या है वो चीज़ें और कैसे काम करती हैं, सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्फिनिक्स कौन है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो इन्फिनिक्स है ये एक हांगकांग बेस्ड चाइनीज कंपनी है। इसकी पेरेंट कंपनी का नाम ट्रांशन या फिर ट्रेंशन है। ये कंपनी सन 2017 में इंडिया में आई थी और 2017 के बाद से ये इंडिया में बजट सेंटर के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करती है। बेसिकली 5,000 से 20,000 के बीच में ये बजट और मिड रेंज पर फोकस करती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो इन्फिनिक्स है, टेक्नो है और जो आईटेल कंपनी है, ये तीनों के तीनों कंपनीज एक तरह से भाई बहन की तरह हैं। और यहाँ पर जो ये तीनों कंपनीज है, इन तीनों को एक ही कंपनी ओन करती है, उसका नाम है ट्रेंशन होल्डिंग्स, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ पर जो ये कंपनीज हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल, इनके कस्टमर जो भी आप बोल सकते हैं टारगेटेड कस्टमर्स हैं, वो अलग अलग हैं। आईटेल कीपैड टाइप फोन्स बनाती है, टेक्नो थोड़े बहुत ऐसे फोन्स बनाती है जो कि ज़्यादा कंपटीशन में नहीं जाते हैं, और जो इन्फिनिक्स है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फोन्स बनाती है। तो कुछ इस तरीके से ये मार्केट में अपने सर्वाइव कर रहे हैं, और अभी तक जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो है आईटेल और इन्फिनिक्स। तो अब बात करते हैं अपने मच अवेटेड पॉइंट की, और वो है कि क्या इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन्स हैं, क्या वो सच में रिलायबल हैं और सेफ हैं, क्योंकि जो प्राइवेसी है एक कस्टमर की, एक यूज़र की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और ऐसे में चाइनीज़ कंपनीज बदनाम है। तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन्स हैं वो इस लिहाज से रिलायबल हैं, क्या वो आपकी प्राइवेसी को सेफ रखते हैं या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, जो इन्फिनिक्स कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अपने स्मार्टफोन्स ही मैन्युफैक्चर नहीं करती है, इन्फिनिक्स की एसेसरीज भी काफ़ी सारी आती हैं और लैपटॉप्स भी इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। तो इन्फिनिक्स एक वाइड तरीके से इंडिया में खेल रहा है और इंडिया में काफ़ी कॉम्पिटिटिव होकर खेल रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं, अभी हाल ही में इन्फिनिक्स का नोट 11 सीरीज में एक स्मार्टफोन आया है जो कि 12,000 रुपये में आपको एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, साथ ही में डुअल स्पीकर्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स कंपनी है ये काफ़ी अच्छे तरीके से इंडिया में खेल रही है, और शाओमी, रियलमी, साथ ही में अब मोटोरोला भी इस गेम में जुड़ चुका है, तो इन सभी को हराने में जुटी हुई है। लेकिन इन्फिनिक्स थोड़ा स्लोली खेल रही है यहाँ पे, तो ये एक पॉइंट होगा कि इन्फिनिक्स थोड़ी जल्दी अगर अपने स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करे तो काफ़ी अच्छे से खेल सकती है। लेकिन अब बात करते हैं कि इन्फिनिक्स सिर्फ स्मार्टफोन्स तो इंडिया में ला नहीं रही है, वो लैपटॉप्स भी ला रही है, अपने एसेसरीज भी ला रही है, और यहाँ तक कि इन्फिनिक्स के टेलीविजन्स भी आती हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं कि क्या इन्फिनिक्स एक सेफ ब्रांड है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन्स हैं वो यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा के रिगार्डिंग बिल्कुल भी सेफ और सिक्योर नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो इन्फिनिक्स की पेरेंट कंपनी है ट्रांशन, उसका एक सब ब्रांड है टेक्नो। टेक्नो और इन्फिनिक्स आप जानते होंगे इंडिया में काफ़ी अच्छे तरीके से बजट सेगमेंट में खेल रहे हैं। तो ये जो टेक्नो ब्रांड है, इसका ही एक स्मार्टफोन था जो जिसमें कुछ ब्लोटवेयर्स एप्लीकेशन दी गई थी, और उन एप्लीकेशंस के अंदर कुछ मेलवेयर्स थे जो कि लगातार चाइना के सर्वर से इंटरेक्ट कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो उस यूज़र के फ़ोन में जो भी ऑनलाइन पेमेंट के जो भी एप्लीकेशंस थे, जैसे कि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, कुछ इस तरीके के एप्लीकेशंस थे, अब एग्जैक्ट कौन सा एप्लीकेशन था मुझे नहीं मालूम है, उन्हीं से कुछ चीज़ें ऐसी चुरा कर वो जो एप्लीकेशन में जो मेलवेयर था, वो जो मेलवेयर है या फिर था, वो डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट या फिर बहुत सारी सर्विसेज को अपने आप ही एक्टिवेट करते रहा था, सब्सक्राइब करते रहा था, और अपने आप ही बैंक से पैसा कट जा रहा था, और बिना यूज़र की ये परमिशन के ये सारा काम हो रहा था। तो यहाँ पर इन चीज़ों के रिगार्डिंग टेक्नो या फिर इन्फिनिक्स बहुत ज़्यादा अनसेफ है। अभी तक इन्फिनिक्स में ऐसा कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया है हालांकि, लेकिन फिर भी जो इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन्स हैं, इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स में जो ब्लोटवेयर्स आते हैं वो भी चाइना के सर्वर से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो आपकी प्राइवेसी है, जो डेटा है, वो काफ़ी हद तक एक कंसर्न बन जाता है कि इन्फिनिक्स के फ़ोन में आपका डेटा सिक्योर है या फिर नहीं। कहने को इन्फिनिक्स जो कंपनी है वो कहते रहती है कि हम जो हमारी कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी है या फिर जो हमारा XOS है वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है बिल्कुल भी, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं और चाइनीज़ कंपनी ऐसा ज़्यादातर करती है, अपने यूज़र्स पर स्पाई भी करती हैं। तो इन चीज़ों से
बचने की मैं हिदायत देता हूँ, और मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि ये कंपनीज इतनी सेफ नहीं है। देखिए, अगर आप अपनी प्राइवेसी या फिर डेटा या फिर सिक्योरिटी से ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं तो आपके लिए इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स आइडियल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इन्फिनिक्स अपने बजट में, अपनी मिड रेंज प्राइस में, मिड रेंज सेगमेंट में जो भी जिस तरीके के स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करा रहा है वो काफ़ी बेस्ट है। मतलब 12,000 रुपये में कोई आपको एमोलेड स्क्रीन प्रोवाइड नहीं करा रहा है, डुअल स्पीकर्स प्रोवाइड नहीं करा रहा है, बड़ी बैटरी प्रोवाइड नहीं करा रहा है, मतलब सब कुछ एक अच्छा स्लीक डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो इन्फिनिक्स करा रहा है। आप इन्फिनिक्स की तरफ आँख बंद करके जा सकते हैं। अगर आपके लिए ये चीज़ें मैटर बिल्कुल नहीं करती तो आप शाओमी की तरफ भी जा सकते हैं, रियलमी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है तो आप इन्फिनिक्स या फिर और कई कैटेगरी के ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको आप अवॉइड करिए, सीधे सीधे अवॉइड करिए, क्योंकि ये ब्रांड्स आपके लिए नहीं है। मैंने पहले भी बात की है कि Xiaomi के फ़ोन्स ज़्यादा सेफ नहीं हैं, उसी तरीके से जो इन्फिनिक्स है, मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स भी ज़्यादा सेफ नहीं है। ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया था, आप ऐसे एग्जांपल इंटरनेट में बहुत सारे ढूंढ सकते हैं इन्फिनिक्स, टेक्नो या फिर आइडल ब्रांड के रिगार्डिंग, जो इनकी ट्रांशन नाम से, जो भी ट्रांशन या फिर ट्रांशन नाम से पेरेंट कंपनी, इसके रिगार्डिंग भी आप बहुत सारे इंसिडेंट्स इंटरनेट पर अवेलेबल, आप वहां से जाकर इन्हें पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको इन फ्यूचर मिलती रहें। मैं पंकज आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।